Well, today I am going to talk about linear probability model, logit and probit models, or you can say limited dependent variables. It has wide application in biological sciences, in business, finance, economics, and many other disciplines. सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि क्यों हम लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं. फिर लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल वही है जो हम ऑर्डिनरी ली स्क्वायर मॉडल यूज करते हैं, जो हमारी जो है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में या नॉन लीनियरिटी इन वेरिएबल्स में यूज होता रहा है. लॉगिट एंड प्रॉबिट मॉडल स्लाइटली डिफरेंट है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं और क्यों हमें लॉगिट प्रॉबिट मॉडल्स यूज करने की जरूरत पेश आती है, व्हाई वी कैन नॉट लिव विद लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स. तो इस वीडियो ये टॉपिक तीन वीडियोस पे हो सकता है, ये चार भी हो सकती हैं. इसमें सबसे पहले हम इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने जा रहे हैं, देन हम आर के थ्रू ये कैलकुलेशंस करेंगे, वील डेमोन्स्ट्रेट कि जी ये हम कैसे जो है वो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और हम मैरिड विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा जो कि वुलरिज की बुक का है, इकोनोमेट्रिक्स का, उसको यूज करेंगे. एंड देन हम ये देखेंगे कि जी प्रिडिक्शन और जो है वो जो आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिस्पांस वेरिएबल का कॉजल लिंकेजेस कैसे इंटरप्रेट होते हैं. तो इंटरप्रिटेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा इस टॉपिक का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन्स हैं. तो सो आई ट्राई टू फोकस ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स. तो आप देखिए कि तो ये मैंने बहुत सारे फील्ड्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट हम इसको जो है वो जो चंद एक एग्जाम्पल्स हैं वो हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ऑक्यूपेशन है. इन सारे वेरिएबल्स में आपका जो रिस्पांस वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल है, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, रिग्रेसेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आप इसको नेम दें, वो बेसिकली या जीरो है या वन है. आपको क्या एक जो पार्लियामेंटेरियन है इन योर एरिया, अगर आप उसके पास कोई फेवर लेने जाते हैं तो आपको वो फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको बस सिंपल या यस हो जाएगा या नो हो जाएगा. ये अलग बात है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है डिपेंड करती है ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, कि आपने उसकी कैंपेन में कितना इन्वेस्ट किया, आपने उसको वोट पोलिंग स्टेशन से कितने लेके दिए, आप अदरवाइज उस पार्टी से कितने अरसे से बिलोंग करते हैं, या आप कोई ऐसी पोर्टफोलियो या पोजीशन एंजॉय करते हैं जिसकी वजह से वो पार्लियामेंटेरियन आपको सपोर्ट कर रहा है. सो मेनी फैक्टर्स, बट व्हाट यू ऑब्जर्व आइदर जीरो और वन. यू आर रिटायर्ड पर्सन और यू आर नॉट रिटायर्ड पर्सन, यू आर अ स्टूडेंट और नॉट अ स्टूडेंट. सो अब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये जीरो या वन जो है ये लिंक्ड है विद मेनी अदर फैक्टर्स. तो आप देखिए, तो आपके पास जो पहला लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है, व्हाट डू वी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग वन फॉर गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिग्रेसर्स और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. तो ये आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह का एक मॉडल है. इसका ड्रॉबैक हम आर में जब रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे. एक तो ये है कि यहां कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ये कैन एक्सीड वन आर कैन बी लोअर देन जीरो, जो कि प्रोबेबिलिटी रूल में अलाउ नहीं है. दूसरा, इट सफर्स फ्रॉम हेट्रोस्कडास्टिसिटी. अब हमने इस मॉडल को एक ऐसे लिंक फंक्शन से जोड़ना है कि ये जो आपके पास वैल्यू है बी नॉट प्लस एक्स बी, ये जीरो और वन से एक्सीड नहीं करें. तो अब दो ऑप्शंस है हमारे पास. एक ऑप्शन है हम इस पे जो है वो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर लें, और दूसरा है हम गॉसियन या जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसके थ्रू कर लें. तो वो जो लिंक फंक्शन है वो है जी ऑफ बी नॉट प्लस एक्स बी. तो जी ऑफ जी विल बी एनश्योर्ड बिटवीन जीरो एंड वन. तो ये बेसिकली हम लिंक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं.
तो अब इस लिंक फंक्शन के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने कहा कि एक है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करना है, तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाएगा, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फंक्शन है तो दिस इज कॉल्ड प्रॉबिट मॉडल। ये नॉन लीनियर है, आप अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें तो वो हमेशा एक एस शेप बनता है, तो इसलिए हम इसको यूजुअल ओएलएस मेथड से एस्टीमेट नहीं करते, हम मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेशन यूज करते हैं इस मॉडल को एस्टीमेट करने के लिए। दूसरा फंक्शन जो हम यूज कर सकते हैं वो है लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ जी डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्सपोनेंट ऑफ जी, दिस विल एंश्योर के जी ऑफ जी जो है बिटवीन जीरो एंड वन है, तो इसको हम कहते हैं ये लॉगिट मॉडल है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी इसको कहते हैं, और ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है। तो हमारे पास दो लिंक फंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ताकि लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल की जो डेफिशिएंसी है कि इट मे एक्सीड वन और इट मे बी लेस देन जीरो, तो वो ओवरकम हो जाती है। देन कम्स कि जी व्हाट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आपके पास प्रॉबिट और लॉगिट मॉडल्स में से कौन से मॉडल्स यूज करने चाहिए, तो बहुत सिंपल, किसी टाइम पे लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से एम्पिरिकल कैलकुलेशन करना आसान था जब लोगों के पास पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन्स नहीं थी 70s में, मे बी अर्ली 80s में, बट टुडे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्ट, आपको क्या चीज पसंद है दैट्स इट, अदरवाइज थ्योरेटिकली को इनके दरमियान डिफरेंसेस होते रहे, तो जिन्होंने थ्योरेटिकली कुछ एक्सप्लोर करना हो मैथमेटिकली दे कैन गो फॉर इट। हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि जी बहुत सिंपल है कि आपके पास इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट, दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 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 सिमिलर होते हैं और आप किसी को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो चूंकि आपके पास प्रॉबिट मॉडल बेस होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसलिए और इन्फ्रेंसिस बेस होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादातर, तो इसलिए लोग आजकल प्रॉबिट मॉडल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जो है वो उसको बेहतर समझते हैं। बट स्टिल चूंकि ये लार्ज सैंपल फिनोमिना है, आप MLE यूज कर रहे हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स जो है वो इक्वली गुड होंगे। तो अब आपके पास जो है वो वही उसी तरह से यहां पे जो हम बात कर रहे हैं कि जी इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम यहां पे इसको मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, तो अभी जब रिजल्ट्स आएंगे वहां पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। तो जो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है उसमें हम ये कहते हैं कि जब भी एक सर्टेन चेंज होगी एक्स में तो वाई जो है वो एक फिक्स अमाउंट से बढ़ जाएगा, दैट इज अ लीनियर वन। नॉन लीनियर में ऐसी कोई स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं होती, चेंज इन एक्स एट वन प्लेस सेम मैग्नीट्यूड की जो चेंज है एक्स में एट वन पॉइंट विल रिजल्ट इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग वाई डिफरेंटली देन द सेम मैग्नीट्यूड एट अदर प्लेस। कि एक बंदे की अगर आप उसकी इनकम जो है वो 1 लाख थी, आप उसको 2000 रुपया दे देते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है उसके बच्चे की स्कूल जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वही होगा जितना एक 10,000 रुपये इनकम थी, उसकी अगर मंथली इनकम जो है वो 12,000 हो जाए। तो अब ये जो चीजें हैं ये डिफरेंट होती हैं, ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट्स, तो इसलिए इसकी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं होती। फर्दर मोर हम इस पर बात करेंगे। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि जी आप इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लॉजिक प्रॉबिट मॉडल में जी ऑफ जी जो अभी जी ऑफ जेड आप कह रहे थे, जो आपने अभी लिंक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, तो जी ऑफ जी इन प्रॉबिट मॉडल जी ऑफ जीरो इक्वल टू 0.4 होता है, जी ऑफ जीरो इन लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन 0.25 होता है, और इन लीनियर मॉडल जी ऑफ जीरो इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो 1.25, 0.40, तो जब ये इनके आपस में लिंक को डिवेलप करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ उनके साइन और सिग्निफिकेंस को चेक करते हैं। यूजुअली जी टेस्ट हम यूज करते हैं क्योंकि सैंपल साइज लार्ज है।
तो आपको जो है डेरिवेटिव्स, ये जो भी मैं 0.4, 0.25 और 0 की बात कर रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं बात करूंगा, तो वो तो हो सकता है। अदरवाइज सिंपल ये देखो कि जी कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है और क्या वो जो है उनकी जो है वो साइंस वैसे ही हैं जैसे दूसरे मॉडल्स के हैं, तो इट मीन्स कि वो कंपेरेबल हो गए, लेकिन आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर नहीं कर। तरह से आप इसको स्टेटा में, आर में, ईवीएस में, एसपीएसएस में कहीं पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो है यहाँ पे जो फंक्शन यूज होना है वो एमएल ही होना है, तो जैसे एफ टेस्ट में आप एक रिस्ट्रिक्टेड मॉडल होता था, एक अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल होता था, तो यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल विल बी मोर देन लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। तो अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम होगा तो इट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस होल्ड करती हैं, अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा तो इट मीन्स वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये जस्ट लाइक एफ टेस्ट है। जैसे वहां पे हम आर स्क्वायर यूज करते थे, यहाँ पे आर स्क्वायर जो है एज टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट जो है यूज होता है, बट वी कॉल इट सूडो आर स्क्वायर। सूडो मीन्स जस्ट लाइक आर स्क्वायर बट नॉट आर स्क्वायर। तो आपके पास जो है एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम जो है ना वो जब तक अपना थ्रेशहोल्ड खुद से कोई सेट नहीं करते तो थ्रेशहोल्ड हमारा 0.5 होता है। 0.5 से ज्यादा ऑब्जर्व होगी प्रोबेबिलिटी तो 1 में ले जाएंगे, और उससे कम होगी तो उसको 0 में ले जाएंगे। जब कोएफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन आएगी तो ये मैं थ्रेशहोल्ड वैल्यूज की जो है वो डिफरेंट रख के भी आपको शो करूंगा कि ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू कैसे आप सेट करते हैं, और इसको ज्यादा और हाई ज्यादा या लो सेट करने से फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव होने के चांसेस जो है वो चेंज हो सकते हैं। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एनालिसिस का वर्ड यूज होता है, रॉक एनालिसिस का वर्ड यूज होता है मेडिकल साइंसेस वगैरह में। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की। तो आप देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टेटा या आर को आप यूज करेंगे तो यू डोंट नीड टू बिल्ड दीज कॉलम्स मैनुअली। बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसको इस फॉर्म में एक नाइस एडिटेबल इस फॉर्म में डिस्प्ले करने में उनका इतना टाइम लग जाता है कि वो एक्चुअल चीज को भूले हुए होते हैं, वो इसी पे जो है ना वो फोकस कर रहे होते हैं। तो ये एक नाइस टेबल आया है जस्ट बाई ए सिंगल कमांड इन स्टेटा ईएसटी आउट वगैरह से, और आर में हग्स रिग्रेशन या स्टार गेजर से आ जाता है। तो ये मैं अपनी जो है वो आर की फाइल शेयर करूंगा तो यू कैन लुक एट देयर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक नाइस वे है, आप सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहां पे मैं एक अद कोएफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन लेके फिर आगे चलता हूं। ये देखिए 0.038, तो मैंने जैसे कहा कि ये मैग्नीट्यूड जो है ये साइन पॉजिटिव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सिग्निफिकेंट, इट मीन्स कि एजुकेशन यहां इंटरप्रिटेशन ये है कि क्योंकि ये लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है कि अगर 10 इयर्स एजुकेशन बढ़ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फीमेल इन द लेबर फोर्स विल बी 0.38, जो कि क्वाइट हाई है। अब ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट कंपेयर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जैसे यहां पे जी ऑफ जी जो है जी ऑफ 0.1 होता है, जी ऑफ 0 जो है 0.4 होता है, 0.2 लॉग इट में ये जी एफ 0.25 होता है और प्रॉबिट में ये 0.40 होता है। तो इसका मतलब है अगर इसको मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखिए क्या चीज बन रही है, रफली ये चीज बन जाएगी 0.4 से डिवाइड कर दूं यस, और इसको अगर 0.25 से डिवाइड कर दूं तो रफली ये चीज बन जाएगी। तो यू कैन वर्क इट विद दिस। तो इसी तरह से ये देखिए किड्स आ गए कि अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बीइंग इन द लेबर फोर्स विल बी लेस एज कंपेयर टू अगर 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे, 6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चे इस वेरिएबल से शो हो रहे हैं वो जो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उस दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। हस्बैंड इनकम बढ़ती जाएगी, ये हस्बैंड इनकम है तो इन जनरल आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल वोमेन बीइंग इन लेबर फोर्स उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। अगेन आई रीट्रेट कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 0।
इन प्रैक्टिस जो चीज हमें ऑब्जर्व होती है वो जीरो होता है या वन होता है, या मैं किसी जो है वो हाइपरटेंसिव हूं या हाइपरटेंसिव नहीं हूं, या मैं जॉब करता हूं या मैं जॉब नहीं करता, या मैं स्टूडेंट स्टेटस एंजॉय करता हूं या नहीं करता, बट इट्स अ फैक्टर ऑफ मैनी अदर वेरिएबल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग जीरो और वन को हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको हम जो है वो प्लेस कर देते हैं कि जी ये जीरो या वन आपके पास आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वाली वीडियो में मैं एग्जैक्टली ये टेबल आपको आर के थ्रू कैलकुलेट करके दूंगा फॉर यूजिंग बाय यूजिंग एमरोस डेटा, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वुलरिश का ये डेटा है 753, एंड ऑफ स्लाइड शो। ये आपके पास जो है वो ये डेटा है। तो बेसिकली इसको मैं आपके सामने आर से कैलकुलेट करूंगा और वी डू इन आर, तो उस पर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा, लॉग इट प्रॉबिट और एलपीएम मॉडल की शेप्स क्या होती हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, जो ओवरऑल इफेक्ट्स हैं उसके ग्राफ्स को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।